डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय त्र्यंबकेश्वर। आज हम त्र्यंबकेश्वर की पावन धरती पर उपस्थित है। ये भगवान शिव की वही धरती है जहां पर उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। आप सबको मालूम है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भारत में 4 पीठों की स्थापना की थी। ये 4 पीठ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में है। आज हम मुलाकात करेंगे भारत के एक महान शंकराचार्य जी के साथ में, जो 2 पीठों के पीठाधीश्वर है। मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के, जो भारत में 4 पीठ विद्यमान है। उनमें से एक पीठ उत्तराखंड में है, ये है ज्योतिष बद्रिका शारदा पीठ। एक पीठ है गुजरात में, इस पीठ का नाम है द्वारिका शारदा पीठम। तीसरा जो पीठ है वे है उड़ीसा में, और पीठ का नाम है पूरी शारदा पीठम। जो चौथा पीठ है ये है साउथ इंडिया में, और ये पीठ है श्रृंगेरी शारदा पीठम। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष बद्रिका शारदा पीठम एवं द्वारिका शारदा पीठम के पीठाधीश्वर है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ये पूरी शारदा पीठम के शंकराचार्य है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज ये श्रृंगेरी शारदा पीठम के पीठाधीश्वर है। जो आज हम आपको दर्शन करवाएंगे वे करवाएंगे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ। आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, और हमारे जो मठ है इनके बारे में बात करेंगे। हम इनके सामने में 4 पीढ़ा लेके आए हैं चैनल की तरफ से, जो हमने बाहर सर्वे किया है, और मुझे पूरी आशा है कि हमें जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास में समाधान मिलेगा। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को शुरू कर दूं, मैं महाराष्ट्र जी के चरणों में नमन करता हूं और महाराष्ट्र जी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र जी, सबसे पहले तो यही हमारा प्रश्न है, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी थे उस वक़्त जो भारत का माहौल था, उनके मन में क्या उस वक़्त आया होगा कि उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, अपने जो वेदांता है वेदांता को प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया, और हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। महाराज, उसके पूर्व भारतवर्ष में बौद्ध धर्म फैल गया था, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन्होंने लोगों के अंदर में वैदिक धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न की। जी, बौद्धों के एक बहुत बड़े पंडित हो गए हैं धर्मकीर्ति, उनका कथन है वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादः स्नाने धर्मेच्छा जातिवादावलेपः संताप पापहानायचेति ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानि जाते। ये श्लोक है। जी महाराज जी, इसका अर्थ है वेद को प्रमाण मानना। एक, इस जगत का कोई रचयिता ईश्वर है इस पर विश्वास करना, और स्नान से धर्म होता है इस पर विश्वास करना। जी, जाति और वर्ण मानना, तपस्या से पापक्षय होता है इस पर विश्वास करना। वो कहता है कि जिनकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई है जी, उनकी जड़ता के 5 चिन्ह है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों ने वेद को प्रमाण मानना छोड़ दिया, ईश्वर के प्रति विश्वास कम हो गया, जाति और वर्ण समाप्त होने लगे। जो वेदों के प्रमाण के अनुसार लोग अपने स्वधर्म का पालन करते थे जी, वो छूट गया। हमारे भारत में नारियां पतिव्रता होती हैं, वे अपने पातिव्रत की तरफ से
उदासीन होकर असमय में ही भिक्षुणी बनकर यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगी और लोगों ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। जो हमारे मंदिर हैं उनके प्रति भी लोगों के मन में अनास्था हो गई। इस प्रकार भारत के इस क्षेत्र में अनेकों प्रकार के विचार नए नए खड़े हो गए। 77 पांघट मत आ गए, उसी में कापालिक आ गए जो नरबलि तक दिया करते थे और बहुत से अनाचार भी शुरू हो गए। जब विदेशी लोग भारत में आते थे लूटने के लिए तो वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते थे और वो दीक्षा देने वाले आचार्य अहिंसा परमो धर्मा कह देते थे, तो लुटेरों को भगाया नहीं जाता था, भारत लुटता था। भाषा में, प्रदेश में, विभिन्न राज्यों में, राज्यों में विभक्त होने के कारण इसकी देश की एकता विखंडित हो रही थी। जी, ऐसी स्थिति में भगवान शंकर ने अपने 4 शिष्यों के सहित केरल के कालरी नाम के ग्राम में शिवगुरु और आर्या से अवतार धारण किया और उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था से ही वेदों का अध्ययन प्रारंभ करके 8 वर्ष की अवस्था तक चारों वेदों में अपना अजगार प्राप्त कर लिया और उसके पश्चात संन्यास लेकर वो निकल पड़े और नर्मदा के उत्तर तट पर गोविंदनाथ वन में एक गुफा थी जिसमें गोविंद पादाचार्य नाम के बहुत सिद्ध महात्मा सन्यासी निवास करते थे। उनसे उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली, 3 वर्ष उनके साथ रहे और उसके पश्चात काशी होते हुए बद्रिक आश्रम गए। वहाँ उन्होंने प्रस्थानोत्तरी पर भाष्य लिखे। जी, उपनिषदों पर लिखा, ब्रह्मसूत्र में लिखा और श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा और साथ ही साथ और भी प्रकरण ग्रंथों की रचना की और शास्त्रार्थ के द्वारा लोगों को पुनः उन्होंने सनातन धर्म के प्रति आस्थाशील बनाया तो पूरा सनातन धर्म भारत में छा गया, भारत में एकता आ गई। आज जो हमारे देश में एकता दिखाई पड़ रही है वो सनातन धर्म की देन है। आप समझ लीजिए कि हमारे भारत के संजीवा रेड्डी नाम के राष्ट्रपति हो गए हैं। जी, वो जब नेपाल गए तो उन्होंने ये कहा था कि नेपाल और भारत की एकता तब तक रहेगी जब तक कि पशुपतिनाथ और रामेश्वर रहेंगे। आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो भी नरेंद्र मोदी भी नेपाल जब गए तो उन्होंने कहा कि नेपाल में पशुपतिनाथ है और काशी में विश्वनाथ है। तो ये हमारी एक एकता की कड़ी है। कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, वो कहीं भी जाकर ये अनुभव नहीं करता है कि मैं प्रदेश में आ गया, भारत के कोने कोने में आ गया। दक्षिण भारत का व्यक्ति बद्रीनाथ को प्रदेश नहीं मानता, बद्रीनाथ का व्यक्ति रामेश्वर को प्रदेश नहीं मानता। इस तरह उत्तर पूर्व और पश्चिम की बात है। आज आप यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, कुंभ में कुंभ पर्व आ रहा है। जी, उसमें स्नान के लिए भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इस समय ये जो हमारा त्र्यंबकम क्षेत्र है वो एक ऐसा स्थान बन गया जो हमारा मंदिर हो। जी जी, और सब लोग यहाँ पर एक आत्मता का अनुभव कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की ही देन है और इसका श्रेय भगवान शंकराचार्य को जाता है। जी महाराज जी, अभी काफ़ी समय हो गया जब आदिगुरु शंकराचार्य जी इस धरती पर आए, तब से अब काफ़ी समय बीत गया है। लेकिन अभी अगर हम भारत को देखें आज के
टाइम में महाराज श्री, तो बहुत सारे धर्म नए नए यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं। और दूसरा महाराज जी क्या है कि बहुत सारे संत महात्मा जो है वो स्वयंभू है, न वो तो किसी गुरु परंपरा से आ रहे हैं, न किसी आश्रम परंपरा से आ रहे हैं महाराज जी, वो खुद ही सेल्फ स्टाइल होके खुद अपना शिविर लगाते हैं, काफ़ी लाखों की भीड़ में लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उनके विश्वास के साथ खेलते हैं, फिर उनसे कोई गलत काम होता है तो फिर सभी को विश्वासघात हो जाता है। और बाकी जो अच्छे संत महापुरुष है जिन्होंने संन्यास में पूरी जीवन अपना लगा लिया महाराज जी, तो उनका भी नाम खराब होता है, हिंदू धर्म का भी नाम खराब होता है, और जो हमारे नई पीढ़ी है उनका विश्वास खत्म होता है महाराज जी। इसका एक कारण तो अभी जो है उस पर आप ध्यान दें, हमारे पहले तो हम आपको जैसा पहले आपने प्रश्न किया था कि चार पीठ क्यों बनाए, जी महाराज जी, भगवान शंकराचार्य का ये कहना है कि और दूसरे जो मजहब हैं उनके एक ही ग्रंथ हैं, जैसे मुसलमानों का कुरान शरीफ है, ईसाइयों का बाइबल है, हमारे अनेकों ग्रंथ हैं जी, कुरान न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र मिश्रिता वेदांत थाना विद्यानाम धर्म सचा चतुर्दश, कुल मिलाकर 14 हमारे यहाँ धर्मशास्त्र हैं। एक व्यक्ति का उनको अध्ययन करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आचार्य की आवश्यकता बन जाती है। तो प्रत्येक युग में आचार्य हुआ है, कृते विश्व गुरु ब्रह्मा त्रितायाम ऋषि सत्तम द्वापरे व्यास सियात करावत्र भवाम्यहम। सत्ययुग में ब्रह्मा जगद्गुरु थे जी, त्रेता में वशिष्ठ जगद्गुरु हुए, द्वापर में व्यास जगद्गुरु हुए और कलयुग में मैं जगद्गुरु हूँ, किंतु उनकी आयु 32 वर्ष की रही तो, और कलयुग लंबा है, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई भारत की चार दिशाओं में चार पीठ बनाए, उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। इन मठों में उन्होंने अपने शिष्यों को स्थापित किया और एक महानुशासन नाम का ग्रंथ दिया जिसको हम तस्दीक कह सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि मेरे पीठ में जो योग्य सन्यासी बैठे उसको मेरा स्वरूप समझाया, तो वो शंकराचार्य अभी कहलाते हैं, और उनको इसका दायित्व उन्होंने सौंपा है कि वो बराबर वर्ण करके सनातन धर्म की स्थापना करते रहे। तो ये होता रहा और भारत में सब कुछ चलता रहा, बीच में गुलामी आ गई, मुसलमानों का शासन आया, उसके पश्चात अंग्रेजों का आ गया, तब भी हमारा सनातन धर्म बना रहा और आज आपको अभी भी हिंदू बहुमत भारत में दिखाई पड़ेगा। अभी शिकागो में धर्म का कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमसे संदेश मांगा गया था, तो हमने उनको बताया था कि देखिए और धर्मों से हमारे वैदिक धर्म में कुछ दूसरी बात है, वो ये है कि दूसरे धर्म के लोग ये बताते हैं कि अगर तुम अपने धर्म का पालन करोगे तो मरने के बाद तुमको या तो जन्नत मिलेगी या हेवन मिलेगा, और वहाँ तुम्हें यहाँ से अधिक वैश्विक सुख मिलेगा। जैसा कि उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि मुसलमान नौजवानों को बताया जाता है कि जब तुम हेवन में जाओगे तो 70 हूरों से तुम्हारा निकाह हो जाएगा, और वो निकाह जो हुआ उसका अंत नहीं होगा। हमारे यहाँ तो ये है कि स्वर्ग आप जाएंगे, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, पुण्यों का क्षय होने के बाद आप फिर लौट के आएंगे जी। उनके यहाँ तो पहला और अंतिम है, वो 70 जो उनके पीछे लग गई तो वही चलता, वो लगी ही रहेगी जी।
तो सांसारिक सुख का प्रलोभन वो दे रहे हैं, जबकि हम लोगों ने ये माना है कि सुख संसार में नहीं है और उसका एक कारण बहुत ही तत्व है। हमको सुख कहाँ मिलता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जो वस्तु या व्यक्ति हमारा प्रिय होता है उसके मिलने से हमको सुख मिलता है। प्रेम के साथ सुख का अनन्य संबंध है जी। जो प्रेमास्पद होगा वो हमारे सुख का साधन होगा, सुख होगा। तो संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है, वो है जो कभी अप्रिय न होती। तो संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो सदा ही प्रिय रहे वो अप्रिय हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अप्रिय न हो। कभी कभी हम देखते हैं कि जिसके बिना मिले चाय भी हम नहीं पीते हैं, कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि उसकी बात मत करो, उसका नाम मत लो। हम सबसे नफरत कर सकते हैं पर अपने आप से नहीं कर सकते। हमारी अंतरात्मा जो है परम प्रेमास्पद है, इसलिए उस आत्मा का ज्ञान करने से ही सच्चा सुख मिलेगा, संसार के भोगों में नहीं मिलेगा जी। तो ये जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति हमको ऊपर उठाती है, वो हमको धर्म की तरफ ले जाती है, अर्थ से ऊपर उठाती है, मोक्ष देती है, मोक्ष देती है हमको। एक ऐसी ऊंची भूमिका में हमारा धर्म ले जाता है कि यहाँ केवल प्रेम ही है, त्याग ही है, कुछ कामना नहीं। ये जो हमारी संस्कृति है उसकी अगर लोगों को ज्ञान हो जाए उसका, तो ये बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी जी। तो महर्षि के साथ में पहले सत्र में हमने चर्चा की, महर्षि ने हमें ज्ञान दिया, आपको भी ज्ञान बांटा। आदिगुरु शंकराचार्य जी के उद्देश्यों के बारे में, उन्होंने किस उद्देश्य से चार मठों की स्थापना की थी, और महर्षि ने यह भी कहा कि हमारा जो सनातन पद्धति का धर्म है वो हमें मोक्ष दिलाता है, वो हमें मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर सोचने को कहता है और अपने आप को फ्री रखने के लिए कहता है। महर्षि के साथ में ये मधुर और ज्ञानवर्धक चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।